आज शरद पूर्णिमा है और आज के दिन हम पूर्णिमा ध्यान करेंगे। पूर्णिमा का दिन बहुत महत्वपूर्ण और ऊर्जा से भरा हुआ होता है। पूर्णिमा की किरणें हमारे मन और हमारे शरीर पर प्रभाव डालती हैं। आज का ध्यान हम ऐसा करेंगे जिससे हमारे मन, हमारे शरीर और हमारे हृदय की शुद्धि हो जाए। इस दिन चंद्रमा की किरणों में उपचार के गुण होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पूर्णिमा ध्यान। महसूस कीजिए कि आप एक समंदर के किनारे बैठे हुए हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है और हाथ ध्यान मुद्रा में है। समंदर की लहरें आ रही हैं और जा रही हैं। समंदर के लहरों के जैसे आपकी सांसें भी आ रही हैं और जा रही हैं। आप अपनी आती हुई सांसों को और जाती हुई सांसों को देख रहे हैं। सांसें भीतर आ रही हैं और जा रही है। सांसें ना ज्यादा तेज हो ना ज्यादा धीमी। आपकी सांसें शांत हो रही हैं। शाम ढल रही है और पंछी अपने घरों को लौट रहे हैं। समंदर की लहरों के ऊपर धीरे धीरे एक चांद उदित हो रहा है। यह पूर्णिमा का चांद है, अत्यंत विशाल और अलौकिक। चंद्रमा अपनी रश्मियों को बिखेरता हुआ बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप मंत्रमुग्ध होकर चंद्रमा को निहार रहे हैं।
आकाश में चारों तरफ चांदनी फैली हुई है। चंद्रमा के श्वेत प्रकाश को महसूस करें। हर अंदर जाने वाली सांस के साथ महसूस करें कि चंद्रमा की निर्मल किरणें आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं। और हर जाती हुई सांस के साथ आपका मन खाली हो रहा है। हर गहरी सांस के साथ निर्मल किरणें शरीर में प्रवेश कर रही हैं। शरीर का कण कण निर्मल किरणों से भर रहा है। हर जाती हुई सांस के साथ आपका मन शांत हो रहा है। महसूस करें कि चांदी सी शीतल किरणें आपके त्रिनेत्र को छू रही हैं। त्रिनेत्र से सारी किरणें शरीर के अंग अंग में भरती जा रही हैं। भीतर से अपने शरीर को देखें। भीतर से अपने शरीर को देखें। कहीं कोई तनाव या कोई स्ट्रेस तो नहीं है? अगर भीतर कोई स्ट्रेस है तो बाहर जाने वाली सांसों के साथ उसे निकाल दे। अनुभव करें कि शीतल किरणें त्रिनेत्र से उतर रही हैं शरीर में और जाती हुई सांसों के साथ सारा तनाव शरीर से बाहर निकल रहा है। आज का दिन ऊर्जा से भरा हुआ होता है। इस अलौकिक ऊर्जा में बहुत शक्ति है। आपको कोई विचार परेशान कर रहा है या किसी तरह की परेशानी ने आपको जकड़ रखा है,
या ऐसी कोई घटना जिसे आप भुलाना चाहते हैं? और वह बार बार आपको याद आती है, ऐसी अनचाही घटना या विचार को मन में लाएं। गहरी सांसों के साथ रोशनी को भीतर लाएं। थोड़ा रुकें और मुंह से सांसों को छोड़ते हुए अपनी सारी परेशानी को बाहर छोड़ दें। महसूस करें कि आपके मन में जितनी भी पीड़ा है वह इस रोशनी से साफ हो रही है। यह रोशनी आपके मन को पूरी तरह से हील कर रही है। आपका मन उस विचार से मुक्त हो रहा है। आप हल्का महसूस कर रहे हैं। गहरी सांस भीतर लें, थोड़ा रुकें और मुंह से छोड़ते हुए मन को खाली करें। एक और गहरी सांस लें थोड़ा रुकें और मुंह से सांस को छोड़ते हुए खुद को हल्का महसूस करें। यदि आपका हृदय किसी बात से या किसी घटना से दुखी है कोई ऐसी बात जो आप किसी को बता नहीं सकते और आप उसकी वजह से गहरी पीड़ा में हैं महसूस करें कि चंद्रमा की यह सकारात्मक ऊर्जा आपके हृदय पे पड़ रही है। आपका हृदय पूरी तरह से नौशनी से नहा रहा है। गहरी सांसें लें, थोड़ा रुकें और मुंह से छोड़ें। गहरी सांसें भीतर खींचें, थोड़ा रुकें
और मुंह से छोड़ते हुए महसूस करें कि आपके हृदय की सारी पीड़ा बाहर निकल रही है। चंद्रमा की किरणें आपके हृदय को पवित्र कर रही है। आप बेहद क्षमावान हैं। जिससे भी ये पीड़ा आपको मिली है, आप उसे क्षमा कर रहे हैं। आपका हृदय पूरी तरह से पवित्र हो रहा है। आपका हृदय उस पीड़ा से मुक्त हो रहा है। गहरी सांसें ले, थोड़ा रुके और मुंह से सांसों को छोड़ते हुए सारी पीड़ा और परेशानियों को बाहर निकाल दे। आप बेहद हल्का महसूस कर रहे हैं। आपका हृदय दिव्य ऊर्जा से भर चुका है। दोनों हाथों को हृदय पर रखें और गहरी शांति का अनुभव करें। गहरी सांसें भरें, रुकें और हृदय पर हाथ रखकर गहरी शांति का अनुभव करें। आपके शरीर के किसी भी भाग में कोई बीमारी हो, दर्द हो या किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो, तो अपना सारा ध्यान उस अंग पर ले जाएं। महसूस करें कि चंद्रमा की किरणें शरीर के उस भाग पर पड़ रही हैं। यह श्वेत ऊर्जा जो ब्रह्मांड के दिव्य तरंगों से भरी हुई है, यह श्वेत ऊर्जा जो दिव्य तरंगों से भरी हुई है, वो आपके पूरे शरीर को स्वस्थ कर रही है। आपके शरीर की सारी व्याधियां दूर हो रही हैं। शरीर स्वस्थ हो रहा है।
यह दिव्य ऊर्जा आपके शरीर को स्वस्थ कर रही है। अनुभव करें कि यह दिव्य ऊर्जा आपके शरीर की चारों तरफ एक वर्तुल में घूम रही है। महसूस करें कि यह दिव्य ऊर्जा वर्तुल में आपके शरीर की चारों तरफ घूम रही है। आपका शरीर दिव्य प्रकाश से नहा रहा है। आपका शरीर दिव्य प्रकाश से नहा रहा है। आप सारी व्याधियों से मुक्त हो गए हैं। और शरीर ऊर्जा से भर चुका है। पूर्णिमा की इस अद्भुत शक्तिपात रूपी ऊर्जा के लिए हम चंद्र भगवान को धन्यवाद देंगे। हम उस पूर्ण को भी धन्यवाद देंगे जिससे हम सभी का निर्माण हुआ है। इस श्लोक से हम उस पूर्ण का और उस पूर्ण से निकलने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी ग्रह नक्षत्र सभी का धन्यवाद देंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अर्थात वह अनंत है और यह ब्रह्मांड भी अनंत है। अनंत से ही अनंत की प्राप्ति होती है। तब भी अनंत ब्रह्मांड की अनंतता को लेते हुए वह अनंत के रूप में अकेला रहता है। ओम शांति शांति शांति। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।